सो गाइस द फर्स्ट थिंग दैट शुरू करेंगे मेकअप से पहले वो है स्किन प्रेपिंग. मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेकअप से पहले स्किन प्रेपिंग सबसे जरूरी स्टेप है. तो अभी मैंने क्या किया है, अपना फेस ऑलरेडी वॉश कर लिया है. मैंने यूज किया है मामा अर्थ का ये उपटन फेस वॉश. आजकल ये उपटन रेंज में बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ बिकॉज एक तो विंटर्स आ गए हैं सो माई स्किन बिकम्स वेरी ड्राई. और ये जो उपटन रेंज है इसमें टर्मरिक और सैफ्रन होने की वजह से स्किन को बहुत अच्छा सॉफ्टनेस मिलता है, ड्राइनेस का भी ये ध्यान रखता है, प्लस एक अच्छा सा ग्लो आता है. और क्योंकि हम फेस्टिव सीजन के लिए रेडी हो रहे हैं तो वी नीड आवर स्किन टू लुक ग्लोइंग. सो दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड. और अब मैं इसके बाद लगाऊंगी मामा अर्थ का ही बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन बिकॉज ये एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है. आपके फेस को ना ही सिर्फ ब्राइटन करेगा, ये आपकी स्किन को एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देगा. एंड उसके साथ साथ अगर आपके ब्लेमिशेस की या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी कैटर करेगा. सो दिस इज व्हाट आई एम रियली यू नो एक्साइटेड अबाउट कि मेरे भी फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, मार्क्स हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं है. लेकिन अगर आपके स्किन पे एक्नी मार्क्स हैं या सनबर्न्स हैं या पिगमेंटेशन मार्क्स हैं, कुछ भी ऐसा है ब्लेमिशेस, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट में आपको मिलेगी मलबरी एक्सट्रैक्ट्स और विटामिन सी. तो ये दोनों ही चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं. 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. आप मेरा कोड जरूर यूज कीजिए शिमर 20, नीचे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अपनी शॉपिंग पे. और इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो अब ये प्रोडक्ट को सबसे पहले मैं अपनी स्किन में अच्छे से मसाज करूंगी, अच्छे से इसको सिंक इन करूंगी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं ऑलरेडी इतना सॉफ्ट फील कर रही हूँ अपना फेस, इतना मजा आ रहा है. और जितनी स्किन पे ड्राइनेस थी एकदम से गायब हो गई है. एंड इसको रेगुलर अगर आप यूज करेंगे एज अ स्किन रेजिम इन दोनों प्रोडक्ट्स को, उपटन फेस वॉश एंड बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम, तो आपकी स्किन में डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा. ब्राइटनिंग होगी, ग्लो अच्छा आएगा, और जो ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाएगी. सो इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिए एंड इनको रेगुलरली यूज कीजिए एज अ स्किन रेजिम इन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए. सो गाइस, स्किन मेरी प्रेप हो चुकी है और मुझे बहुत 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 अच्छा सॉफ्ट सा फील आ रहा है. अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी. तो आज मैं यूज करूंगी फॉरएवर 52 की ये कमोफ्लाश HD पैलेट. सो दिस इज देयर न्यू लॉन्च और ये एक बहुत ही मजेदार पैलेट है. इसमें कई सारे कलर करेक्टर्स हैं, कॉन्टोर और हाईलाइट या कंसीलिंग शेड्स हैं. ये पूरी क्रीम पैलेट है, बहुत ही अच्छी है फॉर प्रोफेशनल यूज एंड इवन फॉर पर्सनल यूज. सो सबसे पहले मैं अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स को करेक्ट करूंगी. चलो मैं अपनी फिंगर यूज कर लेती हूँ. सो आई टेक दिस ऑरेंज कलर, द डार्क ऑरेंज. I'm gonna just apply it on the dark areas. और ये मुझे अभी नया नया एक पता नहीं rash हो गया, I don't know how, but anyhow we'll cover that as well. सो बस ये है कि अगर आप एक परमानेंट ब्लेमिशेस रिमूव करना चाहते हैं तो मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम यूज़ कीजिए. और अगर आप टेम्परेरली अपने ब्लेमिशेस को हाइड करना चाहते हैं तो ऑरेंज करेक्टर यूज़ कीजिए. एंड उस टाइम के लिए तो आपके ब्लेमिशेस सारे हट जाएंगे, बट रेगुलर यूज़ में आपको एक अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. सो यूज़ दी मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम. ओके, सो मैंने ऑरेंज करेक्टर लगा लिया है. अब मैं इसके साथ थोड़ा सा ये डार्क कलर का भी मिक्स करूँगी करेक्टर. सो इससे क्या होगा कि करेक्शन भी अच्छी होगी, प्लस थोड़ी ब्राइटनिंग भी होगी आपके अंडर आइज में, क्योंकि मेरी अंडर आइज थोड़े डार्क हैं एंड मैं नहीं चाहती कि मैं फेस्टिव या वेडिंग सीजन में डल लगूं. आई वांट टू लुक नाइस एंड ब्राइट. फॉर माई फाउंडेशन आई एम गोना यूज द एस्टल ऑर्डर डबल वेयर फाउंडेशन. दिस इज वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट फाउंडेशन एंड द कलर दैट आई एम यूजिंग इज 1W2 सैंड. तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फुल कवरेज फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा ग्लो भी देती है स्किन पे एंड यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ क्वांटिटी. सो इसको मैं पहले एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे स्मियर कर लूँगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. ओके, सो फाउंडेशन लग गए गाइस. अब कंसीलर का टाइम है. मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर इन नंबर 001. ये एक लिक्विड कंसीलर है और इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा है, इट्स क्वाइट ब्लेंडेबल. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई ऑन ऑल द हाई पॉइंट्स एंड बेसिकली द सेंटर ऑफ द फेस एंड आई एम गोना ब्लेंड दिस एज वेल. ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगा रही मैं बिकॉज ये अच्छी कवरेज देता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. सो जस्ट अ लिटिल बिट.
सो गाइस कंसीलर इज ऑन. अब मैं दोबारा से फॉरएवर 52 की ये कैमोफ्लाश पैलेट लूंगी और इसमें से मैं एक कॉन्टोर कलर यूज करूंगी. सो आज मैं थोड़ा सा क्रीम कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ बिकॉज मुझे एक अच्छा सा चिजल्ड लुक चाहिए. सो डार्क ब्राउन कलर्स यूज करके सबसे पहले वी विल जस्ट क्रिएट आवर कॉन्टोर मैप्स. सो आई एम बेसिकली मिक्सिंग दीज टू कलर्स, द डार्केस्ट ब्राउन एंड द सेकेंड डार्केस्ट ब्राउन. नोज को भी कंट्रोल करेंगे एंड थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगाया है मैंने प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट, बट अब क्योंकि विंटर्स आ गई हैं तो आप थोड़ा सा क्रीम प्रोडक्ट लगा सकते हो, इट्स नॉट एन इशू. बट अगर समर्स हैं, आपकी स्किन बहुत ऑयली है, देन यू शुड अवॉइड टू मच ऑफ क्रीम प्रोडक्ट ऑन योर फेस, बट फॉर दिस वेदर इट्स गुड. अब हम इस मेकअप को सेट करेंगे. सो फॉर दैट आई यूज पाउडर्स एंड उसके लिए आई एम यूजिंग द अर्बन डिके नेकेड स्किन पैलेट. सो इसमें ये कलर मैं यूज करूंगी फॉर सेटिंग माय फाउंडेशन एंड कंसीलिंग एंड आई यूज दिस कलर टू सेट द कंटूर. सो आई एम गोना यूज अ ब्रश, रादर आई जस्ट यूज माय डैम ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज माय फेवरेट टेक्निक, और उसी की हेल्प से आई जस्ट सेट एवरीथिंग बेसिकली द सेंटर ऑफ माय फेस. नहीं है, अब एक दूसरे ब्रश की हेल्प से मैं अपना कंटूर सेट कर लूंगी. सो आई एम जस्ट गोना टेक प्रोडक्ट एंड set my contour. All right, looks good. And now it's time for blush. So I'm using this Eye Magic blush palette. So this has some really nice colors. And क्योंकि आज मैं pink look करने वाली हूँ, तो I'll use a pink blush on my cheeks. So let's take a brush. Just taking any general brush, and I'll just take the pink colors and apply. सो गाइज द ब्लश इज ऑल्सो ऑन. मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि ब्लश हमेशा फेड होता ही होता है. सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप ही फेड हो जाएगा. अब मैं अपने बेस को सेट करूंगी. सो फॉर दैट आई एम गोना यूज माई फेवरेट मैक फिक्स प्लस. सो मेकअप पहले ही लॉक कर लें यूजिंग अ मेकअप स्प्रे. इससे आपका जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है, आपका मेकअप लॉक हो जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. एंड एज आई सेड, जितना भी एक्सेस पाउडर वगैरह है फेस पे वो भी सारा अब्जॉर्ब हो जाता है. एंड ये मेरा फेवरेट फिक्स प्लस है. अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल कैटेगरी में चाहते हैं तो आप मेकअप रेवोल्यूशन का भी ट्राई कर सकते हैं, फॉरएवर 52 का ट्राई कर सकते हैं मेकअप फिक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. अब आप देखो ब्लश ऑलरेडी थोड़ा सा फेड हो गया है, तो इसको मैं बाद में टचअप करूंगी. बट उससे पहले आई विल अप्लाई माई हाईलाइटर. आई एम यूजिंग द फॉरएवर 52 हाईलाइटर डुओ इन द नंबर 001 एंड आई एम गोना यूज अ फैन ब्रश. So just apply as much as you want. So you can see the glow is so beautiful. Now let's start the eye makeup. And आज मैं बहुत simple सा eye makeup करने वाली हूँ, ज़्यादा difficult नहीं है but pretty. And उसके लिए मैं use कर रही हूँ Forever 52 की 35 color eye shadow palette. And इसमें कोई number नहीं दिख रहा मुझे, but it's just a 35 color eye shadow palette and it's one of the new launches. And ये color palette है, it is a beautiful palette, has lot of bright colors in both mattes and shimmers. So since I'm wearing a pink color today, तो मैं कुछ वैसा ही करने वाली हूँ. So let's see क्या करते हैं, मैंने सोचा नहीं है but yeah. Okay, so what I'll do is मैं सबसे पहले I think मैं ये वाला color use करूँगी जो कि एकदम से एक nude pink type का color है, और एक blending brush में इस color को लेकर मैं अपनी crease पे लगा लूँगी. काफ़ी अच्छा कलर पे ऑफ है, रियली लाइकिंग दिस कलर. अब मैं अपने लिट पे लगाऊंगी दिस पिंक, इट्स जस्ट अ मीडियम नाइस पिंकी पिंक कलर एंड आई जस्ट यूज माय फिंगर्स टू अप्लाई दिस कलर. इट्स इजी, प्रीटी इजी, एंड वही ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से विदाउट टेकिंग टू मेनी ब्रशेज एंड यू नो वेस्टिंग टाइम, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली ब्लेंड दिस कलर all over my lid. And I also love this palette. बहुत अच्छी palette है, बहुत अच्छी color पे off है, blendability भी बहुत अच्छी है. अब एक छोटा brush लेकर, like एक छोटा lid brush लेकर
I'm gonna use let's see which one. Okay, so I'll use this color, जो palette के सबसे corner में color है, ये एक प्यारा सा gold सा color है, like champagne gold type का, इसको मैं inner corner पे लगाऊंगी, blending it with pink. Okay. एंड उसके बाद आई यूज दिस कलर, ये एक प्रॉपर शिमरी, ऑलमोस्ट लाइक ऑफ वाइट शिमरी कलर है, और इसको मैं लगाऊंगी अपने ब्रो बोन्स के नीचे. आई जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग वन मोर टाइम. ओके, नाउ मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर लूंगी इसी पैलेट में से, एक मैट ब्राउन कलर, और इसी ब्रश में इस कलर को लेकर मैं हल्का सा आउटर कॉर्नर पे एक डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ. दैट्स इट. ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, बट अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी और डायमेंशन चाहिए, डेप्थ चाहिए, तो आप पर्पल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक इससे ज़्यादा डार्क पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस पैलेट में ब्राउन कलर मुझे दिखा, मैट ब्राउन जो सबसे डार्क था, तो मैंने वही कलर ले लिया, और उसी ब्रश की हेल्प से मैं इसको आउटर कॉर्नर पर लगा के पिंक के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट यू नो थोड़ी सी डायमेंशन आ जाती है आपके आई मेकअप में. अब थोड़ा सा इस आई मेकअप को और जाजी करने के लिए बहुत सिंपल वे में मैं यूज़ करूँगी कीको मिलानो का ये बहुत ही प्यारा सा एक प्रेस्ड ग्लिटर. ये गोल्ड कलर में है, इसका नंबर है 04, और कुछ भी नहीं करना, बस फिंगर से लेना है, फिंगर पे लेना है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डैब इट ऑन माय लिड, एंड इट्स सो सो प्रिटी. बट मुझे थोड़ा सा ये स्पार्कली इफेक्ट अच्छा लगता है, सो आई एम जस्ट यूजिंग फॉर दैट. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. सो अब मैं अपनी आईब्रोज, आई लैशेज और आई लाइनर ऑफ कैमरा करके 2 मिनट में वापस आती हूँ. ओके, सो आईज आर डन. आई हैव पुट आई लैशेज, आई हैव यूज हिना हाइना आई लैशेज इन द स्टाइल शिजा. आई लव हिना हाइना आई लैशेज, एंड मैंने लोअर लैश लाइन में बहुत सिंपल सा क्या किया, जो मैंने पिंक लैशेज आईलेट्स पे लगाया था, वही पिंक मैंने नीचे लगा लिया अपने लैशेज पे, और थोड़ा थोड़ा ब्लैक आई शेडो लगाया, और अपनी वाटर लाइन पे मैंने लगाया है न्यूट पेंसिल. सो मुझे ब्लैक काजल की जगह कभी कभी न्यूट पेंसिल ज़्यादा अच्छी लगती है, इट जस्ट मेक्स योर आइज लुक बिगर एंड मोर डॉल लाइक, एंड ऑफकोर्स आई लैशेज एज आई मेंशन एंड सम आई लाइनर. अब आते हैं लिपस्टिक पे. सो आई एम यूजिंग अ पिंक कलर टुडे, एंड आई एम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, हुडा ब्यूटीज बॉम्बशेल विद एनेस्थेसिया बेवरली हिल्स कैथरीन. सो दिस इज हुडा ब्यूटीज बॉम्बशेल, इट्स अ नाइस पेल न्यूडी पिंक, एंड दिस इज लाइक अ ब्राउनी पिंक कलर. सो आई एम गोना मिक्स द टू एंड अप्लाई, बट बिफोर दैट लिप लाइनर. एक्चुअली मैं बात करते करते मेकअप भी कर सकती हूँ, व्हाई डू आई ऑलवेज फॉरगेट दैट. सो दिस इज द लिप कलर. आज मैं बहुत न्यूट कलर नहीं चाहती थी, आई वॉन्टेड सम बिट ऑफ कलर गोइंग ऑन माई लिप्स, सो दिस इज द कलर. एंड अब मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर ग्लॉस लगाना चाहिए, बिकॉज आई लव लिप ग्लॉस, सो लेट्स डू दैट एज वेल. सो मैं इसके ऊपर सिर्फ एक क्लियर ग्लॉस लगा रही हूँ गाइज, जस्ट दैट आई गेट सम शीन. सो गाइज आई एम डन विद माई मेकअप, आई विल बी राइट बैक. This suit that I'm wearing is a very old suit. It is one of my wedding suits, and I style it with this bandhani dupatta, which is actually from Jaipur and does not belong to this particular suit. And the jewelry is again a very old set of mine from an exhibition. I hope you guys enjoyed this video, like the makeup and the outfit, and happy Karwa Chauth and happy festivities to all of you. Lots of love.